हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। इसमें पार्ट हमारा 4, वासु और नन्ही चिट्ठियाँ। इस कहानी में किसकी बात की गई है? तो वासु नाम का लड़का है और एक जो नन्ही चिड़िया होती है उसकी बात की गई है। पशु पक्षी भी भलाई का बदला चुकाते हैं। क्या कहा गया है? जो पशु पक्षी होते हैं उस पर कोई, हम उन पर कोई जो भलाई करते हैं तो वो अपनी भलाई का बदला चुकाते हैं। एक नन्ही चिड़िया ने वासु के उपकार का बदला उसकी जान बचाकर चुकाया। क्या हुआ? एक नन्ही चिड़िया थी, उसको कभी वासु ने कुछ उस पर उपकार किया था तो उसके अपने उपकार का बदला उसकी जान बचाकर चुकाया। हमें किसी ने उपकार को भूलना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? हम पर कोई जो उपकार करता है तो उस उपकार को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे हम हमारी कहानी। स्कूल की छुट्टी हुई। क्या हुई? जो वासु नाम का लड़का था वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल से लौट रहा था तो उसकी स्कूल की छुट्टी हुई। वासु स्कूल से बाहर आया। क्या किया? वासु नाम का जो लड़का था वो अपने स्कूल में छुट्टी हुई तो वो स्कूल से बाहर आया। उसने इधर उधर देखा। क्या किया? वो बाहर निकलते ही इधर उधर देखने लगा। उसका रिक्शा वाला नहीं आया था। क्या हुआ था? वो जो स्कूल से बाहर निकला तो उसने इधर उधर देखा पर उसकी रिक्शा वाला नहीं आया था। वो जो ऑटो वान में जाता था वो ऑटो वान नहीं आई थी। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। क्या किया? जब रिक्शा नहीं आई थी तो वो अपने पैदल ही, यानी कि अपने घर की तरफ पैदल ही चलने लगा। गर्मी के दिन थे। क्या थे? गर्मी पड़ रही थी, धूप बहुत तेज़ थी। क्या था? धूप बहुत तेज। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो गर्मी के दिन थे और धूप बहुत तेज़ थी। वासु चलते चलते थक गया। क्या हुआ? वासु जब पैदल चलने लगा तो वो चलते चलते थक गया। सामने ही बगीचा था, यानी कि सामने क्या था? तो सामने बगीचा। बगीचा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? बाग। तो क्या था? सामने ही बगीचा था। वह आराम करने के लिए वहाँ रुक गया। क्या किया? वासु वहाँ आराम करने के लिए रुक गया, क्योंकि उससे जब वो उसकी स्कूल की छुट्टी हुई उसने उधर उधर देखा पर उसकी रिक्शा वाला नहीं आया था तो वो पैदल ही घर चलने लगा। और धूप बहुत थी और तेज़ गर्मी थी तो उसकी वजह से वो थक गया। और वो क्या करने लगा? तो सामने बगीचा एक बाग दिखा तो वहाँ पर वो आराम करने के लिए रुक गया। उसने एक पेड़ के नीचे अपना बैग रखा और बैठ गया। क्या किया? वो अपने एक पेड़ के नीचे जाता है, अपने बैग नीचे रखता है और वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक उसकी नज़र एक चिड़िया पर गई। क्या हुआ? जब वो नीचे बगीचे में बैठा, जब पेड़ के नीचे बैठा तो उसकी नज़र एक चिड़िया पर गई। उसकी चोंच खुली थी। क्या हुआ था? जो चिड़िया थी उसकी चोंच खुली हुई, यानी उसके मुंह खुला हुआ था। वह तेज़ से सांस ले रही थी। क्या हो रहा था? वो तेज़ से सांस ले, उसकी सांसें तेज़ चल रही थी। वह उड़ भी नहीं पा रही थी। क्या हो रहा था? एक चिड़िया जो पेड़ के नीचे बैठा था उसकी नज़र एक चिड़िया पर गई, उसकी चोंच खुली हुई थी, उसकी सांसें भी तेज़ चल रही थी और वो उड़ भी नहीं पा रही थी। वासु समझ गया कि चिड़िया प्यासी है। क्या हुआ? वासु क्या समझ गया? तो वासु समझ गया कि चिड़िया को प्यास लगी है। उसने अपनी पानी की बोतल से पानी निकाला। क्या किया? उसके पास जो पानी की बोतल थी वो अपनी पानी की बोतल निकालता है। चिड़िया को उठाया। क्या किया उसने? उसने वो चिड़िया को उठाया, मुंह में उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली। क्या किया वासु ने? तो वासु ने उस चिड़िया को अपने पास उठाया, अपनी पानी की बोतल निकाली और उसकी चिड़िया के मुंह में थोड़े पानी की बूंदें डाली। चिड़िया फुर से पेड़ पर जा बैठी। क्या किया? चिड़िया को बहुत प्यास लगी थी और जब वासु ने पानी पिलाया तो उसकी जान में जान आई और वो फुर से पेड़ पर जाकर बैठ गई। आपने यहाँ पर चित्र देखा कैसे वासु अपने पानी की बोतल से उसे चिड़िया को पानी पिलाया। ऐसे ही पानी पिलाते ही क्या हुआ? चिड़िया फूर से अपने जो पेड़ था उसके ऊपर जाकर बैठ गई। फिर वासु ने क्या किया? तो वासु फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने क्या, वासु ने चिड़िया को पानी पिला के बाद फिर से वासु पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी झपकी आ गई। क्या हो गया? उसकी झपकी, झपकी आना यानी के नींद आना। झपकी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? नींद आना। यानी वासु फिर से पेड़ के नीचे बैठ गया और उसको झपकी आ गई, यानी कि जब वासु ने चिड़िया को पानी पिलाया था उसके बाद वो फिर से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठते क्या हो जाता है? उसे नींद आ जाती है।
तभी चिड़िया जोर से चींची करने लगी। क्या हुआ? जब उसे नींद आ गई तब वो चिड़िया जिसने जिसकी जो चिड़िया थी हाँ उसकी वो उसकी जान बचाई थी, वो चिड़िया चींची करने लगी, जोर जोर से चींची करने लगी। वह उड़ती हुई आई, क्या किया, वह उड़ती हुई वासु के पास आई। उसने वासु के पैर के पर चोंच मारी, क्या किया उसने, वो चिड़िया आकर वासु के पैर पर चोंच मारती है। वासु हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। क्या किया वासु, वासु को जब उसने चोंच मारी तो वो हड़बड़ाना यानी कि घबरा कर, यानी कि वो जब नींद में था तो अचानक से चिड़िया ने उसे चोंच मारी तो वो घबरा कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि एक सांप उसकी ओर आ रहा था। क्या देखा, वासु घबरा कर बैठ गया तो उसने देखा कि सामने से एक सांप उसकी ओर आ रहा था। उसने झपट से अपना बैग उठाया और बगीचे से बाहर भागा। क्या किया, सांप को आते देखते उसे वो झट से अपना बैग उठा लेता है और बगीचे से बाहर निकल जाता है। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी, यानी कि चिड़िया खुश हो गई क्योंकि वो सांप से बच गया। वासु बोला, मैं तुम्हारे उपकार को मानता हूँ। क्या करता है, मैं तुम्हारे उपकार का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, भलाई, यानी क्या कहते हैं, वासु बोलता है कि मैं तुम्हारे उपकार यानी कि मैं तुम्हारी भलाई को मैं मानता हूँ। और वह गीत गाने लगा। क्या किया, वासु बोलता है चिड़िया को, मैं तुम्हारे उपकार का मान गया क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई को मान गया हूँ अब। और वो क्या करता है, वो गीत गाते हुए गीत गाता चला जाता है। क्या गीत गाता है, वो प्यारी चिड़िया मैंने तेरी प्यास बुझाई। क्या किया कि प्यारी चिड़िया मैंने तो तुम्हारी प्यास बुझाई, बदले में तूने भी तो सांप से मेरी जान बचाई। क्या किया उसके बदले में चिड़िया ने, तो कि बदले में तुमने तो मेरी सांप से जान बचाई, यानी कि जब चिड़िया का जो चिड़िया थी उस पर उसने पानी पिला कर उस पर जो उपकार किया तो उस उपकार का बदला क्या करती है चिड़िया, तो उस उपकार का बदला वो वासु की जान बचा कर करती है। तो यहाँ पर जो वासु के द्वारा क्या पर वासु और चिड़िया के द्वारा क्या कहा जाता है कि पशु पक्षी भी जो होती है वो अपने पर जो कोई उपकार करता है तो वो उस उपकार का बदला नहीं भूलते और वो उस उपकार के बदले उसकी मदद ज़रूर करते हैं। यानी कि हमें कभी किसी से कोई वैर नहीं रखना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए क्योंकि उस मदद का कभी ना कभी हम पर कोई ना कोई उपकार बनकर हमारे सामने आता है। तो क्या करता है वासु, गीत गाते हुए चला जाता है कि प्यारी चिड़िया मैंने तो तेरी प्यास बुझाई, बदले में तो तूने भी तो सांप से मेरी जान बचाई। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे हमारे शब्दार्थ, यानी कि हमें जो पाठ में कुछ शब्द दिए गए हैं उस शब्दों के अर्थ यहाँ पर हम जानेंगे। तो पहला है हमारा बगीचा, तो बगीचा का अर्थ क्या होगा, तो बगीचा का अर्थ होगा बाग। चपकी, तो चपकी का अर्थ होगा नींद। हड़बड़ा कर यानी कि घबरा कर, पुक्का यानी कि भलाई, ये हमें चारों शब्द हमें यहाँ पर उसके अर्थ दिए गए हैं। तो पहला है हमारा बगीचा तो बाग, चपकी तो नींद, हड़बड़ा कर यानी घबरा कर, पुक्का तो भलाई। अब उसमें आएगा हमारा व्याकरण से, यानी कि हम यहाँ व्याकरण के कुछ शब्द दिए गए हैं उसे हम लिखेंगे हमारे में। तो पहला है हमारा श्रुति लेख के लिए शब्द, यानी कि हमें जो यहाँ पर शब्द ले दिए गए हैं उसे लिखना है और पढ़ना है। तो पहला शब्द है हमारा नन्ही, रिक्शा, प्यासी, सांप, चहचहाना, चिड़िया, गर्मी, चोंच, सांस, उपकार। तो ये सारे के सारे शब्द हमें यहाँ पर पढ़ने हैं पहले, फिर उसे अपने नोटबुक में लिखने हैं। तो पहला है हमारा नन्ही, लिक्सा, प्यासी, सांप, चहचहाना, चिड़िया, गर्मी, चोंच, सांस, उपकार। उसके आगे आएगा हमारा इनकी मात्राओं से बने दो दो शब्द लिखे, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें उ की मात्रा के दो शब्द लिखने हैं। तो क्या आएगा, पहला हमारा उ की मात्रा में कौन कौन से हमारे दो शब्द आएंगे, तो उ की मात्रा में हूँ, धुन। फिर आएगा हमारी ए की मात्रा वाले शब्द, तो ए की मात्रा में हमारे दो शब्द कौन से आएंगे, तो ए की मात्रा में हमारे दो शब्द आएंगे पेड़, शेर।
फिर आएगा हमारे बड़े वाले ऊ की मात्रा। तो बड़े वाले ऊ की मात्रा में हमारे दो शब्द कौन से आएंगे, तो धूप फूल। फिर हमारे ए की मात्रा वाले शब्द, तो ए की मात्रा में कौन से दो शब्द आएंगे हमारे, तो पैर बैग। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमें मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं उस मात्रा वाले शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो पहले है हमारे ऊ की मात्रा वाले, तो ऊ में आएगा हमारा मुँह, धुन। ए में आएगा पेड़ शेर, बड़े वाले ऊ में आएगा धूप फूल, और ए में आएगा हमारा पैर और बैग। तो इसी प्रकार हमें आपको भी अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद आएगा समझिए और खाली स्थान पर भरिए, यानी पर हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए हैं वो खाली स्थान पर क्या लिखना है। तो पहला वाक्य हमारा क्या है, बिल्ली दूध खाली जगह क्या रही है, बिल्ली क्या कर रही है, तो बिल्ली दूध पी रही है। यहाँ पर क्या आएगा, पीना। तो यहाँ पर आएगा बिल्ली दूध पी रही है। दूसरा है हमारा मोर खाली जगह क्या कर रहा है, तो मोर क्या कर रहा है, तो मोर खाली जगह क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नाच। तो यहाँ पर पूरा वाक्य क्या बनेगा, मोर नाच रहा है। सोनू रसगुल्ला खाली जगह क्या रहा है, क्या कर रहा है सोनू, तो सोनू रसगुल्ला खा रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, खाना। तो यहाँ पर सोनू रसगुल्ला खा रहा है। बच्चे खाली जगह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ना लिखा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा पढ़। तो पहले में आएगा पी, दूसरे में आएगा नाच, तीसरे में आएगा खा, और चौथे में आएगा पढ़। तो पहला वाक्य क्या बनेगा, बिल्ली दूध पी रही है, मोर नाच रहा है, सोनू रसगुल्ला खा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे आएगा हमारा, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उसका हमें पूरा वाक्य बनाकर लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा रिक्शा, तो उसमें क्या आएगा, तो रिक्शा वाला देर से आया था, क्या हुआ था, तो रिक्शा का पूरा वाक्य क्या बनेगा, तो रिक्शा वाला देर से आया था। दूसरा शब्द है हमारा गर्मी, तो धूप तेज थी इसलिए गर्मी ज़्यादा थी। तो दूसरा वाक्य हमारा क्या बनेगा, कि धूप बहुत तेज थी और इसलिए गर्मी ज़्यादा थी। तो दूसरा वाक्य हमारा इस तरह से आएगा। तीसरा वाक्य है हमारा चिड़िया चींची करती है, तो चिड़िया का वाक्य क्या बनेगा, तो चिड़िया चींची कर रही थी। तो तीसरा वाक्य बनेगा हमारा, चिड़िया चींची कर रही थी। इसी तरह हमें तीनों शब्द जो दिए गए हैं उसका यूज़ करके हमें यहाँ नए वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बनेगा हमारा, रिक्शा वाला देर से आया था। गर्मी का वाक्य बनेगा, धूप बहुत तेज थी इसलिए गर्मी ज़्यादा थी। तीसरा बनेगा चिड़िया का, तो चिड़िया ची ची कर रही थी। उसके बाद आएगा सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, यहाँ पर हमें क्या करना है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। खाली स्थानों को स्थान पर, वासु स्कूल से बाहर आया, खाली जगह देखा, क्या कहा, उसमें आएगा पहला आएगा ए वह, बी उसने, और तीन आएगा उससे। तो क्या कहा वासु ने, तो वासु ने स्कूल से बाहर आकर क्या देखा, तो उसने देखा। तो यहाँ पर शब्द आएगा हमारा उसने, तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा उसने। तो यहाँ पर क्या आएगा, वासु स्कूल से बाहर आ गया और उसने देखा, क्या देखा, तो ऑटो नहीं आई थी ना, उसने वो देखा था ना, हाँ तो वही आएगा। यहाँ शब्द बाघ का मिलता जुलता अर्थ वाला है, तो क्या मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द कौन सा आएगा, तो एक आएगा बगीचा, बी बाघ, सी मोर। तो उसने क्या देखा, यह बाघ में मिलता जुलता शब्द क्या है, यह शब्द से बाघ में मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है, तो बगीचा आएगा। तो बगीचा यहाँ पर आएगा हमारा बगीचा, बाघ से मिलता जुलता शब्द अर्थ वाला शब्द हमारा कौन सा है, बगीचा। तो यहाँ पर आएगा हमारा बगीचा, यहाँ पर बगीचे पर हमें राइट का निशान लगाना है। ग, यह नाम वाला शब्द है, सांप प्यासी भागना, इन तीनों में से कौन सा हमारा नाम वाला शब्द है, तो सांप। तो हमारा आंसर आएगा सांप। तो पहले में आएगा हमारा उसने, दूसरे में आएगा बगीचा, और तीसरे में आएगा हमारा सांप। अब बच्चों आगे की एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, तो
तो पशु पक्षी तथा पानी में रहने वाले नाम को अलग अलग लिखे। यहाँ पर क्या किया गया है, हमें सारे नाम एक साथ दिए गए हैं, उसमें पानी में रहने वाले, पेड़ में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले सभी के नाम दिए गए हैं। पर हमें इसे क्या करना है, पानी में जो रहता है उसे पानी के भाग में लिखना है, पक्षी में पक्षी के नाम लिखने हैं, और जमीन पर रहते हुए पशु है उसके नाम हमें अलग अलग लिखने हैं। तो पहला है हमारा मछली, कौवा, गाय, केकड़ा, कोयल, घोड़ा, कठफोड़ा, चील, डॉल्फिन, हिरण, सीप, शेर। तो ये सब हमें एक साथ नाम दिए गए हैं, तो उनके हमें अलग अलग लिखना है। तो पानी में हमारा कौन कौन से रहेंगे, तो पानी में आएंगे मछली, डॉल्फिन, केकड़ा, सीप, ये सब हमारे पानी में रहने वाले जीव हैं। पक्षी में आएंगे कौवा, कोयल, कठफोड़ला, चील। तो कौन कौन से पक्षी में कौन कौन से आएंगे, तो कौवा, कोयल, कठफोड़वा और चील, वो सब हमारे पक्षी में आएंगे। और पशु में आएंगे हमारा घोड़ा, हिरण, शेर, गाय, वो सब हमारे पशु में आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तीन भाग में पहले पानी में कौन कौन रहता है वो लिखना है, दूसरे भाग में पक्षी में कौन कौन से आएंगे, और तीसरा आएगा हमारा पशु में। तो पानी में कौन कौन रहता है, तो मछली, डॉल्फिन, केकड़ा, सीप, पक्षी में आएगा कौवा, कोयल, कठफोड़वा, चील, और पशु में आएगा घोड़ा, हिरण, शेर, गाय। तो यहाँ पर हमारी सारे व्याकरण की एक्सरसाइज इस तरह से हमारी पूरी होती है। और आपको ही इस तरह से अपने नोटबुक में एक एक शब्द के सबको ऐसे ही, मैंने जैसे आपको बताया है चित्र में, ऐसे ही आपको लिखने हैं। थैंक यू बच्चों। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। हेलो स्टूडेंट, पार्ट 4 वासु और नन्ही चिड़िया का आज हम क्या करेंगे, आज इसमें हम करेंगे हमारा आगे का अभ्यास। तो उसमें आएगा प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर 2। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने होंगे। तो प्रश्न 1 है हमारा, वासु कहाँ जा रहा था। तो बच्चों वासु कहाँ जा रहा था, तो वासु अपने घर जा रहा था। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा कि वासु अपने घर जा रहा था। प्रश्न 2, वह आराम करने के लिए कहाँ गया। तो वासु आराम करने के लिए कहाँ गया, तो वह बगीचे में आराम करने के लिए गया। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा कि वे बगीचे में आराम करने के लिए गया। प्रश्न 3, वासु घर की ओर पैदल क्यों चल पड़ा। वासु घर की ओर पैदल क्यों चल पड़ा था बच्चों, तो उसका उत्तर आएगा क्योंकि रिक्शा वाला नहीं आया था। तो यहाँ पर पूरा उत्तर कैसे आएगा कि वासु घर की ओर पैदल चल पड़ा क्योंकि उसकी रिक्शा वाला नहीं आया था। प्रश्न 4, उसने बगीचे में क्या देखा, क्या देखता है बगीचे में वासु। तो उसने बगीचे में एक चिड़िया को देखा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि उसने बगीचे में एक चिड़िया को देखा। तो उत्तर हमारा इस तरह से आएगा। उसके बाद का प्रश्न 5 है हमारा, प्यासी चिड़िया को बचाने के लिए वासु ने क्या किया, क्या किया था प्यासी चिड़िया को बचाने के लिए वासु ने, तो पानी पिलाया। तो यहाँ पर उत्तर पूरा उत्तर क्या आएगा, प्यासी चिड़िया को बचाने के लिए वासु ने उसे पानी पिलाया। तो इसी तरह से हमें सारे प्रश्नों के उत्तर इस तरह से हम। उसके बाद का आगे का प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न 6, चिड़िया ने वासु के पैर में चोंच क्यों मारी। चिड़िया ने वासु के पैर पर चोंच क्यों मारी थी, तो उसका उत्तर आएगा क्योंकि सांप आ रहा था। तो यहाँ पर पूरा उत्तर किस तरह से आएगा कि चिड़िया ने वासु के पैर पर चोंच क्यों मारी, तो उसका उत्तर आएगा क्योंकि चिड़िया ने उसकी ओर सांप को आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने चोंच मारी। यहाँ पर आएगा कि क्योंकि सांप आ रहा था इसलिए चिड़िया ने चोंच मारी। प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वाक्य दिया गया है उसमें जो खाली स्थान है वहाँ सही शब्द चुनकर हमें खाली जगह भरनी है। तो पहली खाली जगह हमारी क्या है कि वासु का खाली जगह नहीं आया था। क्या नहीं आया था, तो वासु का रिक्शा वाला नहीं आया था। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा, रिक्शा वाला। तो यहाँ पर पूरा वाक्य कैसे बनेगा, वासु का रिक्शा वाला नहीं आया था। 2, वह चलते चलते खाली जगह हो गया। क्या हो गया था वह चलते चलते, तो यहाँ पर आएगा थकना। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह चलते चलते थक गया। तो इसी तरह हमें पूरा वाक्य करना है।
तीन खाली जगह जोर जोर से चींची करने लगी। कौन जोर जोर से चींची करने लगता है? तो चिड़िया। तो यहाँ पर पूरा वाक्य कैसे बनेगा? चिड़िया जोर जोर से चींची करने लगी। चार, एक खाली जगह उसकी ओर आ रहा था। कौन उसकी ओर आ रहा था? तो सांप आ रहा था। तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा सांप। तो एक सांप उसकी ओर आ रहा था। तो पहली खाली जगह में आएगा रिक्शा वाला, दूसरे में आएगा थकना, तीसरे में आएगा चिड़िया और चौथे में आएगा सांप। तो इसी तरह हमें चारों चारों खाली जगह इस तरह से हमें बननी है। तो पहला वाक्य हमारा पूरा कैसे बनेगा? वासु का रिक्शा वाला नहीं आया था, वह चलते चलते थक गया। तीसरा आएगा चिड़िया जोर जोर से चींची करने लगी। चार, एक सांप उसकी ओर आ रहा था। तो इसी तरह हमें सारे बच्चों इस तरह से हमें सारे खाली जगह और प्रश्नों के उत्तर हमें इस तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा अभ्यास इस तरह से पूरा होगा। थैंक यू बच्चों।